मेरी समझ में नहीं आ रहा कुद्दी को उसकी हेल्प लेने की क्या जरूरत थी। अरे डील नहीं होती तो नहीं होती, उसकी हेल्प लेने का मतलब ये है अब वो सर पे चढ़ के नाचेगा देखना। बिटिया इस डील का सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी था, ये पूजा बिटिया की पहली डील है, अगर ये डील अनसक्सेसफुल हो जाती तो लोग उसे चैन से जीने नहीं देते, उंगलियां उठाते कि तुझे तो कोई काम ही करना नहीं आता, उसके अपने वर्कर भी उसकी बात नहीं सुनते। ले पूजा बिटिया आ गई। पूजा बिटिया सब सब ठीक रहा ना, सब अच्छे से हो गया? दीप मुझे लगता है आपको उसकी हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम कुछ देर चुप नहीं रह सकती, चुप रहो। परमिशन है अंदर आने की मालूम? वेल वो एक्चुअली मैं बाहर वेट कर रहा था। मैम आप फैक्ट्री तो जाएंगी ना आज, मैंने सोचा आज आपके साथ में चलते हैं, आपके साथ आपकी गाड़ी में, और इस बार मैं आगे बैठ जाऊंगा आपके साथ। What? आपने इसको कार में बिठाया, वो भी पीछे, ड्राइवर लगती है क्या आप उसकी? अरे इसकी औकात क्या है, समझता क्या है अपने आपको? और दी आपको हो क्या गया है, कर क्या रही है आप? ओ घटिया क्लास इंसान, चहराने की भी शर्म नहीं है ना तुझमें? चलो मीटिंग खत्म, खैरात खत्म, चलो एक दफा मेरा रफा दफा। चोपड़ा साहब आपकी जुबान ना लंबी होती जा रही है, जरा शांत रहा करिए वरना काट दी जाएगी, समझे? तो आपका बाहर वेट कर रहा हूं, आजी बाय द वे एक बात तो बताना ही भूल गया आपको, आप ड्राइव अच्छा कर लेती हैं। मैं कम इन मैडम। कम इन। मैडम जी हमें ना तुरंत काम शुरू करना पड़ेगा जी, क्योंकि 48 घंटे के अंदर हमको डिलीवरी देनी है। तो शुरू करवाइए ना काम, इंतजार किस बात का आपका? क्योंकि इतनी जल्दी अगर डिलीवरी देनी है तो वर्कर्स को जी ओवर टाइम करना पड़ेगा, उसके लिए बात तो आप ही को करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने तो मेरे को। ठीक है मैं बस निकल ही रही हूँ फैक्ट्री के लिए, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। और क्या हुआ? डी I'm so sorry. Sorry, दी मैंने आपको गुस्सा किया। It's okay. मुझे भी ऐसे चिढ़ना नहीं चाहिए था तुझ पे, खमखा चिल्ला दिया। चलो छोड़ो साथ में लंच करते हैं, अम्मा ने खाना बनाया। रानी मैं इस वक्त अकेले रहना चाहती हूँ प्लीज। बिल्कुल नहीं, चलो चलो। मिनट एक मिनट, आप ये सब लेके मुझे सीधे फैक्ट्री पे मिलिए, ओके? जी मैडम जी। क्या समझा? चलो दीदी चलो दीदी चलो दीदी, उसे पटाना तुझे। पापा मैं तो कब से पूजा को आपकी बहू बनाने का ख्वाब देख रहा था। आज बात करने की जरूरत नहीं है, आराम से कीजिए। मतलब आज तो बस सोचा, मतलब आज ही बात करोगे? मार मत, तू पटाएगा पूजा को? क्या खराबी पूजा में? वो तेरी औकात है उसके सामने खड़े होने की, उसको पटाने की। अरे वो घेली गया रस के, मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुन, समझा? ये जो छोटी है ना, चलो दीदी चलो दीदी चलो दीदी, उसको पटाना है, उसको पटा, उससे शादी कर। ये काम तो बेटा मैंने देख लिया तेरा, इस जन्म में ना हो पाएगा तुझसे। ये जो शक्ल मिली है ना फ्री फंड में, उसी से काम चला। पापा जी कम ऑन यार, छोटी वाली बेवकूफ लड़की, एक नंबर की वो। तो तेरे में कौन से सुर्ख आपके पर लगे हैं? वो एक घेली तो तू दो घेला,
तेरे जैसे गेले से वही गेली सर की पटेगी। पूजा बहुत शातिर खिलाड़ी है, उसके लिए कबीर सरीखा कोई चाहिए। तुझे की छोटी बहन पे ध्यान लगा कि हमारा मकसद है इस प्रॉपर्टी का मालिक बनना। और पूजा की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी छोटी बहन। छोटी अपनी तो प्रॉपर्टी अपनी। फिर उसको क्या पढ़ाना, पट्टी बटाइए वो तो। फिल्मी चल। हाय श्रेया। श्रेया देखो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा हो। आई नो कि मेरी गलती थी एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। इसीलिए तो इतने सारे मैसेजेस भेजे थे तुम्हें। नहीं नहीं, मैं कोई गुस्सा वुस्सा नहीं हूँ। मुझे काम है, मैं चलती हूँ। इट्स ऑल फाइन। श्रेया ऑफ कोर्स इट्स नॉट फाइन ना। अरे इतने सारे मैसेजेस भेजे थे, टेक्स्ट मैसेजेस, वीडियो मैसेजेस, किसी का भी रिप्लाई नहीं दिया। और फिर तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर पे भी कमेंट किया था, वहां पे भी इग्नोर कर दिया। What? जेम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, तुम गर्लफ्रेंड हो मेरी। और कल मैंने तुम्हें अंकित के साथ उसकी गाड़ी में भी देखा था। सॉरी, तो अंकित के साथ देखा था तो? नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? वन, हाँ बस 5 मिनट। और वैसे भी तुम यहाँ टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? जाओ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, बेचारे तुम्हें मिस कर रहे होंगे। जय श्रेया, बुरा क्यों मान रही हो? श्रेया मेरी बात तो सुनो प्लीज। आप सबको तो पता चल ही गया होगा कि डील लॉक हो चुकी है। इट्स अ गुड थिंग। लेकिन हमारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं इस डिलीवरी को पूरा करने में, इसलिए आप सबको ओवर टाइम करना पड़ेगा, समझे? ताकि कंपनी टारगेट पूरा कर सके। इसके लिए आपको पैसे भी दिए जाएंगे एक्स्ट्रा। सो राइट, यू अच्छा कुछ का नहीं। नहीं, तुम्हारे फरिश्ते आए ना यहाँ उड़ रहे हैं, उनसे ही बोल रहे हैं। काम पे ध्यान है नहीं, बस फिर बाद में टाइम वेस्ट करते रहोगे कि क्या करना है जी, क्या करना है जी। सारे वर्कर्स को एक्स्ट्रा टाइम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम के सबको पैसे भी दिए जाएंगे। तो फिर नहीं, हमारे पास 48 घंटे हैं ये टारगेट को पूरा करने के लिए। क्यों, मैं सही हूँ या गलत? अरे मैडम के सामने ठीक से तो खड़े रह सकते हो। क्यों भाई, कोई मिलिट्री राज चल रहा है यहाँ पे? वाह, बस इसी तड़ी में सत्ता लुट गई। चोपड़ा जी, काम सही टाइम पे शुरू हो जाना चाहिए। जी नो टेंशन जी। मुझे काम से मतलब है और किसी चीज से नहीं। अगले 48 घंटे में डिलीवरी पक्की है जी, आप बेफिक्र रहो। क्या बाबा, कौन सी गाड़ी है? फरारी। तेज भागती है? बहुत। मॉम, फिर से रो रही हैं? इतने आंसू लाती कहाँ से हैं आप? हाँ, मतलब आंसू हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्यों रो रही हैं आप? तबीयत खराब कर लेंगी अपनी। अरे मैं कहाँ रो रही हूँ, वो बेटी बेटी वो ना चंदा अपनी पसंद का सीरियल देख रही थी मोबाइल पे, मैं भी साथ में देखने बैठ गई, बस मुझे रोना आ गया। आप सीरियल देख के रो रही थी? बड़ी क्यूट हो यार, सीरियल देख के कौन रोता है यार? तो क्या हुआ, लोग रोते हैं सीरियल देख के? हाँ रोते होंगे, बट मेरी मॉम नहीं रोती है, स्ट्रॉन्ग है। सीरियसली सीरियल? कबीर, तेरा दिन कैसा बीता? वो पूजा क्यों आई थी यहाँ पर सुबह?
बेचारी बड़ी मायूस लग रही थी, परेशान, गिड़गिड़ाने लगी, कहती प्लीज कबीर, प्लीज मेरी मदद कर दो, मेरी पहली डील है, मुझे क्रैक करना है। आप तो जानती है ना आपके बेटे का दिल कितना बड़ा है, बेचारी थी, मदद कर दी। बेचारी को सबकी आंखों में ना ऊंचा बनना होता है। अच्छा, जितनी ऊंचाई से गिरेगी चोट उतनी गहरी लगेगी। भाई लोगों, भाइयों 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 भाइयों, इधर आइए और ये मिठाई खाइए। विजय तुम चाचा मिठाई खाइए और बांट दो सब में। किस खुशी में कबीर बाबा? अरे भाई, हमारी पूजा मैडम, उनको भाई करोड़ों का मुनाफा होने वाला है। भाई अगर कंपनी को करोड़ों का मुनाफा होगा तो उसमें हमें क्या लेना देना कि हमें कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप कहना क्या चाह रहे हैं बाबा? मेरे कहने का मतलब ये है विजय कि हम दो दिन दो रात बिना सोए मेहनत करेंगे और हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। और वहां पूजा मैडम, जिनको करोड़ों का मुनाफा होने वाला है, वो जैन की नींद सोएंगी, हमारे बारे में नहीं सोचेंगी। आप बताइए सही है क्या ये गलत है? अगर आप लोगों को लगता है सही है तो ठीक है, मैं आप लोगों के साथ में हूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि भाई हमें 200-300 रुपए के लिए काम नहीं करना है, हमें अपने मुनाफे के लिए काम करना है, अपनी सैलरी बढ़ानी है और वो हम बढ़ा के रहेंगे। अगर आप लोग मेरे साथ में तो मैं आपके साथ में हूं, अगर आप मेरे साथ में नहीं है तो ठीक है, मैं भी रात भर काम करता हूं आप लोगों के साथ और मैं चुप रहूंगा, कुछ बोलूंगा नहीं। सही कह रहे हैं बाबा, इस डिलीवरी में सबसे जरूरी लोग कौन है? हम लोग। हम दिन रात मरेंगे तो जाके ये ऑर्डर पूरा होगा, पर इसके लिए 300-400 रुपए काफी है? बिल्कुल नहीं। कबीर बाबा, आप बताइए क्या करना चाहिए? हमने बहुत मीठा मीठा बोल लिया, अब जिंदगी के कड़वे करेले का स्वाद उन्हें भी तो पता चले। और वैसे भी हम लोग कोई गलत बात तो ना कर रहे हैं, हम लोग वर्कर्स हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, पैसे लेते हैं, घर जाते हैं। पैसे मांगना, अपनी सैलरी बढ़ा के मांगना, ये सब हक है हमारा, हम मेहनत कर रहे हैं उस चीज के लिए, दिन रात एक कर रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं। देखिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, अगर हमारी सैलरी नहीं बढ़ी ना तो काम बंद, हमें काम रोकना पड़ेगा, बस। फैक्ट्री में काम शुरू हुआ कि नहीं? बस मैडम, सारे वर्कर्स आ गए हैं, काम भी शुरू हो जाएगा। चोपड़ा जी, कंसाइनमेंट अगले 48 घंटों में किसी भी हाल में डिलीवर हो जाना चाहिए, ये जिम्मेदारी आपकी है। जी मैडम जी, आप बिल्कुल चिंता मत। इजाजत है? अरे सुल्तान आ गया तो फिर टहलते टहलते हैं? अरे जा भाई, सबने काम शुरू कर दिया, तू भी काम शुरू कर दे, जा। किसी ने काम शुरू नहीं किया, मनाही करने के मूड में। What नहीं मैडम, क्यों? आपको पूछना चाहिए why? कबीर, तुम डेडलाइन जानते हो, इस वक्त तुम्हारी ये बेमतलब की बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सीरियस नहीं हूँ? तो बहुत सीरियस हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक सिंपल सी बात है, सारे वर्कर्स को 10% इंक्रीमेंट चाहिए महीने के एंड में। अगर कंपनी को मुनाफा हो रहा है तो वर्कर्स को उस चीज का फायदा क्यों ना मिले? क्यों चोपड़ा साहब, सही बोल रहा हूँ ना मैं? बोलिए। ये वर्कर्स की डिमांड है या तुमने भड़काया उन्हें? मैं तो बस वर्कर्स की बिहाफ बोलने आया था आपसे। बस 2 मिनट नहीं लगता इनको अपनी औकात में आने में। चोपड़ा साहब, अभी तो प्यार से बात कर रहे हैं, अगर औकात पे आ गए ना तो आप ये खड़े नहीं होंगे यहाँ पे हमारे सामने। मैडम जी, इसको देख के कभी लगता ही नहीं ना कि ये कभी अमीर ज्यादा रहा होगा, इसके पास पैसा रहा होगा, इतनी घटिया क्वालिटी की जो। चोपड़ा जी प्लीज, कबीर प्लीज, इस वक्त काम शुरू करवाओ, मैं सोचती हूँ इस बारे में, मैं बात करती हूँ, मैं बताती हूँ। ओके, मैं बात करता हूँ। चोपड़ा साहब, ये गुंडागर्दी नहीं है, सभ्य समाज में बातचीत करके हल निकाला जा सकता है। ऐसे हम काम शुरू करते हैं और आप शाम तक बता दीजिएगा, अगर नहीं हुआ तो कल हो सकता है कि काम रुक जाए दोबारा। मैं चलूं, इजाजत है? Of course. मैंने कहा पूछ लूं।
पापा जी मैं बात करूं वर्करों से? चुप। बाबा तो मैं सोच रहा था आज काम शुरू करें। आज का दिन है पूजा मैडम के पास ये डिसाइड करने के लिए कि हमारी मांगे मंजूर हैं कि नहीं। मंजूर हैं तो ठीक है, अगर उनका मन ना करे तो कल से तो क्या हैं? यू ब्लैकमेल लगता क्या तुझको? जो तू कहेगा यहां वही होगा क्या? किसी की कोई डिमांड्स नहीं मानी जाएंगी, समझे? लो हो गया डिसीजन। एक बात बता। ये अच्छा है। यहाँ तो गया लेकिन तुझे यहाँ पे पूजा ने भेजा या तो खुद अपने दो टांगों से चल के आया है? देखो मैं ना अपने डिसीजन खुद ले सकता हूँ, ठीक है? और मैंने डिसाइड किया कि तुम कंपनी की मालकिन को ना ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। सुन, हुक शॉट खेला है कभी? हुक शॉट मतलब जब बॉल किसी की हाइट पे हो, समझ ले तेरे सर की हाइट पे हो, तो ऐसे करके बॉल सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। ए सुनना, चल एक और शॉट करके दिखाता हूँ। सामने खड़े रहना, हिलना मत वहां से। ये बैट ऐसे लिया और सीधे सामने वो। अरे यार ये तो डेड बॉल हो गई यार, अब क्या करें? चल आ जा, खड़ा हो जा अभी ना, यहां से चुपचाप कट ले और लॉलीपॉप बाद में खिलाएंगे तुझे। चल मैडम जी आप क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं बोल रहा हूँ ना बिल्कुल फ्री हो जाओ, आप टेंशन मत लो। मैं इन सालों मतलब मैं इन सबको एक सेकंड में लाइन पे लेके आता हूँ। और मेरा बेटा भी है जी, उसने MBA करा हुआ है मुंबई से, वो सब संभाल लेगा, उसको सब पता है। सच बोल रहा हूँ जी। और आ गया, आ जा बच्चे, आ जा आ जा आ जा आ जा। सब ठीक कर दिया ना? बता मैडम जी को। क्या हुआ तुम्हारे MBA के कोर्स में? ये नहीं सिखाया था कि वर्कर्स को लाइन पे कैसे लाते हैं? मैडम जी कोई नहीं, मैं एक बार और। शुक्ला जी मैं वर्कर्स पे गुस्सा नहीं करना चाहती। मैंने सब संभाल लिया था ऑलमोस्ट। वर्कर लोग ना अपनी वो डिमांड्स वापस लेने के तैयार हो गए थे, फिर वो आ गया पाप के अंधी कबीर। उसने देखा, देखा मैडम, देखा आपने, इसने कर दिया था, सब कुछ कर दिया था, पर नहीं। मेरे को तो एक बात नहीं समझ में आती कि एक दफा में रफा दफा क्यों नहीं कर रहे आप उस कचरे के डिब्बे को यहाँ से? क्यों पाला हुआ है आपने उसको इस कंपनी में? जब से आया तब से कोई ना कोई कांड करने में लगा हुआ ये बंदा। सत्यानाश मार के रख दिया सारी कंपनी का, सबको भड़का दिया, सबको। चोपड़ा जी, जी आप में कितनी ताकत है? जी जवाब दीजिए, मैंने कुछ पूछा आपसे, आप में कितनी ताकत है? मैडम जी अब तो उम्र हो गई मैडम जी, बुढ़ापा आ गया, पर अगर जवानी के दिन होते ना तो इस कबीर जैसे को तो मैं एक हाथ से पकड़ के ना फैक्ट्री से बाहर फेंक देता। नहीं फिर भी आप हुक्म करो, गार्ड जाएं, सब निकाल के बाहर फेंकेंगे। यही मुझे कबीर की टेंशन नहीं है, लेकिन आपके इस रवैये की वजह से वर्कर्स काम करना बंद कर देंगे, तो ये काम किसी को तो करना पड़ेगा ना। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आप में ताकत कितनी है, अब आप ही तो जिम्मा उठाएंगे ना ये सारा काम खत्म करने का, राइट? जी मेरा मतलब था ताकत के बारे में पूछा था। चोपड़ा जी दिमाग लगाने का काम मेरा है, वो मैं यूज कर रही हूँ, जाइए। मेरा मतलब था वो। प्लीज गो। मजदूरों का मसीहा बनकर कबीर उन्हें मेरे खिलाफ करना चाहता है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। Thank you.
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।